सो व्हाट्सअप गाइज, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फुल HD फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। और गाइज ये बिल्कुल 4 स्टेप का फोटो एडिटिंग होने वाला है, तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग कर लेगा, वो भी बिल्कुल 4 स्टेप में। और 110% ऐसा फोटो एडिटिंग आप कर लेंगे अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना होगा, आपको अपनी ओरिजिनल फोटो गैलरी से लेना होगा और एक बार सिंपल से इसके शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को हम लोग लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूं, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूं। सो व्हाट्स अप गाइस, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप की इंटरफेस आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल फोटोज के आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा और अपनी फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। देन दोस्तों, आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे साइड में। और वीडियो के शुरू में ही आपका भाई एक बात बताना चाहता है कि अगर आप इस वाली वीडियो को कहीं पर भी स्किप कर देते हैं तो आप उस टाइप की फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। आपका भाई जेन्युइन जानकारी बता रहा है, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसकी लाइट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। देन दोस्तों, लाइट वाले आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके यहां से मैं इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू 67% रख लेता हूं। देन दोस्तों, इसकी हाईलाइट की वैल्यू मैं थोड़ा सा डिक्रीज करके -13% कर लेता हूं। देन दोस्तों, इसकी शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके थोड़ा सा 18% कर लूंगा और इसकी व्हाइट्स की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -34% कर लेंगे और इसकी ब्लैक्स की वैल्यू भी हम लोग डिक्रीज करके -28% कर लेंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग करते ही आपका पहला स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस यही था हम लोग का पहला स्टेप। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इस फोटो की कलर को करेक्ट करके एक बेहतरीन सी टोन को क्रिएट करने वाले। और ये वाला स्टेप आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, सिंपल से कलर्स के आइकन पे जाना होगा और जाने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देखिएगा, नहीं तो आप फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे गाइस, इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके यहाँ से प्लस साइड में 26% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसकी टिंट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -24% करेंगे। देन दोस्तों, इसकी टेम्प की वैल्यू हम लोग ऐसे इंक्रीज करके ना इस हम लोग प्लस साइड में 24% कर लेंगे। देन दोस्तों, ये सारी सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो इतना सारा काम कर लेने के बाद आपको सिंपल से ऊपर साइड में कोने में मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करना होगा और मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक करते ही आपकी कुछ इस टाइप ना इंटरफेस सामने आ जाएगी। और यहीं पे बहुत सारे लोग ना मिस कर देते हैं, इसीलिए वो फोटो एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप यहाँ वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर हम लोग को सिलेक्ट मिलेगा, तो इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज करके यहाँ से प्लस साइड में 26% कर लेंगे। देन दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपनी फेस वाले कलर को सिलेक्ट करना होगा यानी कि ऑरेंज कलर, और इसकी सैचुरेशन की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके यहाँ से -31% कर देंगे। देन दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करके यहाँ से 14% कर लेंगे प्लस साइड में। देन दोस्तों, इसके बाद आपको ब्लू कलर को लेना होगा और ब्लू कलर को लेने के बाद इसकी सैचुरेशन को ऐसे डिक्रीज करके -100% कर देंगे। एक्वा ब्लू कलर को गाइस लेंगे और इसकी भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100% कर देंगे। देन दोस्तों, आप लोग को सिंपल से यहाँ से ग्रीन कलर को लेना होगा और इसकी भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100% कर देंगे। ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100% करेंगे। ल्यूमिनेंस की वैल्यू डिक्रीज करके -26% कर लेंगे। देन दोस्तों, येलो कलर को लेंगे और इसकी भी सैचुरेशन को डिक्रीज करके -100% कर लेंगे और ह्यू को भी डिक्रीज करके -100% और इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -29% कर देंगे। देन दोस्तों, ये सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो सिंपल से आपको ऊपर साइड में डन के आइकन पे क्लिक कर लेना होगा। डन के आइकन पे क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है मेन टिप्स। गाइज, आप अपनी फोटो के अंदर मतलब कलर ग्रेडिंग कैसे करेंगे आगे आपका भाई बताने वाला है, तो इस वाले स्टेप को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो गाइज, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिक्स टूल के बगल में एक ग्रेडिंग का आइकन मिलेगा, तो इस पे गाइज हम लोग क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि शैडो का, मिड टोन और हाईलाइट और ग्लोबल। तो सबसे पहले हम लोग शैडो में आके और आने के बाद क्या करेंगे, इसकी ह्यू और सैचुरेशन को मिलाएंगे। तो उसके लिए गाइज हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे अपने फिंगर से इसे पकड़ के यहाँ पे थोड़ा सा आप ऑरेंज साइड में रखिएगा, इसे बिल्कुल थोड़ा सा, यहाँ मैं अच्छे तरीके से कर लेता हूँ।
तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी ह्यू की वैल्यू 27% रखा है और सेचुएशन को 18%, और मैं इसे थोड़ा सा ऑरेंज साइड में रखा हूँ। और नीचे आने के बाद कुछ सेटिंग को अप्लाई करना होगा। इसकी ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके पूरा 100% कर दूंगा और इसकी बैलेंस को हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -46% कर देंगे। देन दोस्तों इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -44 कर देंगे। और सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट वाले सेक्शन में आके और यहाँ पे क्या करूंगा ना, ऐसे हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा इक्वा साइड में लेकर चले जाएंगे, इक्वा ब्लू साइड में। और इसकी ह्यू की वैल्यू 204% रखा हूं और इसकी सेचुएशन को 31%। देन दोस्तों नीचे आके इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज करके -14 कर लीजिएगा। देन दोस्तों ऊपर साइड में डन के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और ये सेटिंग करते ही आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस तीसरे स्टेप में हम अपनी फोटो को फुल HD बनाने वाले, तो क्या करेंगे, सिंपल से इफेक्ट के आइकन पे क्लिक करना होगा। देन दोस्तों इसकी क्लियरिटी की वैल्यू इंक्रीज करके यहां से प्लस साइड में 23% कर लेंगे और इसकी टेक्सचर की वैल्यू हम लोग डिक्रीज करके -14% कर लेंगे। डीआईएस की वैल्यू इंक्रीज करके यहां से 12% कर लूंगा और इसकी विग्नेट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करेंगे गाइस, डिक्रीज करके -49% करेंगे और इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू थोड़ा सा कम करके 35% कर लूंगा। देन दोस्तों ये सेटिंग करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस हम लोग का तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो चौथे स्टेप में हम अपनी फोटो में ना डिटेल्स को ऐड करने वाले, तो वो कैसे किया जाता है चलिए आपका भाई बताता है। तो उसके लिए डिटेल्स के आइकन पे जाएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके यहां से 42% कर देंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 44%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 22%, कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 20% कर लेंगे और स्मूथनेस को आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। मैं यहां पे 75% कर लेता हूं। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग करते ही हमारा पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट हो जाएगा फुल HD में, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस वाली फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका ये फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।